कि भाई और वर्कर्स लेकर के आने हैं अपने देश के अंदर, और काम निकालना है और रिलेशनशिप बढ़िया करनी है, तो इनको इनको खुश करना होगा। तो ये चीज होती है, ये चीज सोचना होता है, ये नहीं कि मंदिर बनवा दिया रहे ये तो काफिर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये बेवकूफ है, उनको उन्होंने मंदिर बनवाया अपने अपने लिए नहीं बनवाया, वो उन्होंने उनके लिए बनवाया जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेक्शन माता जी। नमस्ते, आज हम वीडियो बनाने वाला है समा अमजद के वीडियो के ऊपर। इसका टाइटल आने वाला है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स अबू धाबी टेंपल, प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान अगेंस्ट हिंदू टेंपल इन यूएई। देखा जाए सबको पता है भाई यूएई के अंदर एक मंदिर बन चुका है जो कि काफी भव्य बना है, सबने देखा था। इससे पहले हमने इसकी वीडियो भी अपलोड करी थी यहाँ पे, किस तरीके से जो शोएब चौधरी जो है वो अबू धाबी गए हुए थे और माना करके इंडियंस के रिएक्शन ले रहे थे, तो काफी अच्छा लगा था वीडियो देखने में। अब फाइनली भाई हम देखेंगे पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन की, भाई उनके क्या रिएक्शन रहने वाले हैं, तो देखने का मजा आएगा। हमें पहले पता चल चुका है क्या क्या सीन रहने वाला है, तो देखते हैं किस वीडियो देगी। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो स्टार्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएई में जाने का मकसद वहां पर बनने वाले स्वामी नारायण मंदिर का इफ्तिताह करना है। यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया और यूएई की तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि अबू धाबी में 27 एकड़ रकबे पर स्वामी नारायण के नाम से एक मंदिर बनाया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके जज्बात, तो आइए चलिए हमारे साथ। पहले इंडियन सर, आपका नाम? शाहिद नाम है। शाहिद, सर क्या कहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर भारत में मौजूद है, वहां पर ना सिर्फ उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनके लिए एक एहलान मोदी के नाम से इवेंट का इनाकाद किया गया, बल्कि उन्होंने वहां पे स्वामी नारायण के नाम से मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। आज देखें, ये हमने न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन कि आप पाकिस्तानी वीज़ास पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारतखानों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे फैला सकते हैं। तो सबसे पहले सर आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती। देखिए आपकी बात तो ठीक है, आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतलक क्वेश्चन पूछा है तो मैं मंदिर के मुतलक आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो इतनी मुस्लिम कम्युनिटी है, दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम्स ही हैं जो बाहर से आए हुए हैं। वहाँ पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। और अब आप देखें कि यूएई सरकार ने ये मंदिर खुद बनाया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ही बुलाया कि आप आए और आके इस मंदिर का इफ्तिताह करें। देखें आपकी बात तो ये एज आ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें जितना भी है नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है, ठीक है। तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें जितनी उसकी हिस्ट्री करें वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। तो इसके लिए मुस्लिम यही बात ना हम हमेशा हर पाकिस्तानी से सुनते आए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंटी मुस्लिम है, उनकी सरकार एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री, जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता, तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। देखिए आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, जब यूएई में 14 अगस्त को लोग वहां पर बाहर सेलिब्रेट करने गए थे बुर्ज खलीफा के सामने
तो वहां पर 14 अगस्त को हमारा नेशन कोई भी नहीं था, ठीक है। इवन के वहां पर कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज करता है उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहां पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर लें जो यूएई में बिजनेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है इनकी क्या पोजीशन है और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखिए मैं फिर वही बात करूंगी कि देखें इज्जत बनाई जाती है, मकाम जो है हासिल किए जाते हैं। अगर इंडिया की आज मुस्लिम ममालिक में या दूसरे ममालिक में रिस्पेक्ट हो रही है तो इंडिया ने कमाई है, इंडिया ने बनाई है। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानियों का वहां पर हाल देखें, तो हमें भी पता है कि यूएई किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां से निकाल रहा है, उन्हें वीजा नहीं दे रहा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर, आपकी एज अ पाकिस्तानी क्या राय है, क्या जज्बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली जो चीज है मजहबी आजादी, हर मुल्क में चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हर इंसान को इसका हक होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, चाहे वो दुबई में रहता है या जहाँ कहीं भी रहता है। लेकिन देखने वाली ये चीज़ होगी कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है, तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं वहाँ पर, मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। ये खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं, क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर काम करती हूं, इंडिया से भी हमारी तरफ से जो है बहुत सारे मुसलमानों से हमारे रابطे भी हैं, हमने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। मैं ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ कि जुम्मे के रोज मैंने बाकायदा लाइव देखा है कि इंडिया में किस तरह बाकायदा लोग जुम्मे के दिन मस्जिद में जाके बाजुमात नमाज अदा करते हैं। देखिए मेरे कॉन्सेप्ट भी पहले वही थे जो आपके हैं, ठीक है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ आंखों से देखी है, तभी मेरे ख्याल और तासुरात इस बारे में बदले हैं। अभी इस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे सामने मंदिर है, हम इस वक्त जैन मंदिर के सामने खड़े हैं। तो मजहबी आज़ादी तो हर मुल्क में है, हर मजहब में, यहाँ तक कि इस्लाम भी कहता है कि आप किसी को इस्लाम कबूल करवाने पर जबर ना करें। हर मजहब का एहतराम हमारा दीन भी हमें सिखाता है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि चाहे दुबई में बन रहा है, मंदिर बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, देखना ये होता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसको कितनी फ्रीडम है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर इंडिया में आज़ादी है तो ऑलमोस्ट उनको भी यहाँ पे भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि फिर कोई भी लाओ इंटरनेशनली हर एक पे जो है ना एक तरह की होता है। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे हम एज ए नेशन बहुत वीक हैं। अगर देखा जाए एक कम्युनिटी के हिसाब से देख लें तो मुस्लिम कम्युनिटी इंतहाई दबी हुई कम्युनिटी है। बाकी वर्ल्ड की आप जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, आप देख लें कि वो सुपीरियर हैं। हम लोग गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से, इसका कोई भी लगा लें आप, तो उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान की ना बाहर के मुल्क में इज्जत है ना पाकिस्तान के अंदर इज्जत है। हम लोग अपने झगड़ों से फारग नहीं हैं, हमने दुनिया के मसले क्या हल करने हैं, उसकी बात की कोई सुनाई नहीं है। इंडिया अपने झूठ को भी जो है ना वो सच कह सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम क्या करते हैं? मैं चैन गाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद हैं, खासकर वो वहाँ पर गए थे एक मंदिर के इफ्तिताह के लिए और उनका इफ्तिताह हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि यूएई में अबू धाबी के अंदर जो है एक मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। स्वामी नारायण के नाम से मंदिर है जो कि 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। देखें मैम, बात यह है कि ऐसे तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था इस्लामाबाद में, आपको पता है, हो गया था, बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्धमत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इनको इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह क्या रहे, मैं समझी नहीं पाई, मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है, क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखे, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मस्जिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है फिर? इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए।
नहीं ये तो बात गलत नहीं है। देखे अल्लाह का दिन सच्चा है, अल्लाह का दिन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दिन है वो सब गलत है, सिर्फ दिन एक या इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दिन सच नहीं है, ठीक है। एक कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को झूठा मत को कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा, क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की उसने, क्यों मस्जिद, देखे मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते। मस्जिद शहीद क्यों गई, अगर एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, अगर मंदिर जहाँ बनाना था जहाँ जगह दी गई मस्जिद के लिए वहाँ पे मस्जिद बना देते हो। पहले देखे आप बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर ही था, बाबर ने आने के बाद अपने दौरे हुकूमत में वहां से मंदिर को हटाकर वहां पे मस्जिद बना दी जो बाबर के नाम के साथ मुंसलिक है। क्या आपको ये नहीं बात पता, पहले वहां पे मंदिर था जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई और फिर मस्जिद को वहां पे शहीद करके डिमोलिश करके दोबारा मंदिर बना दिया गया ना। लेकिन मस्जिद ही बननी चाहिए, जहाँ मर्जी हो जिधर भी हो मस्जिद ही बननी चाहिए। अब मस्जिद की जगह दे दिया इंडिया की सरकार ने, उतने ही एकड़ रकबे की थोड़ा सा आगे जाके मस्जिद की जगह दी है जहाँ पर तकरीबन 90,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मैं इस चीज पर अपने मीडिया से बहुत इख्तलाफ करती हूँ कि आप लोगों को आधी अधूरी खबर बताते हैं जिसकी वजह से आप इंडिया से नफरत करने लग जाते हैं, आपको पूरी बात ही नहीं बताई जाती। अब आपको ये पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था, ये बात आपको पता ही नहीं है। ये तो पता ही था, पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत, मस्जिद जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए, जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए, मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो फिर जवाबन में मस्जिदें भी टूटेंगी, क्या आप चाहते हैं हिंदू मुस्लिम फसादात हो? हिंदू मुस्लिम तो पहले इंडिया में फसादात है, आप देख तो रही हैं। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए यूएई में मौजूद हैं और यूएई में इन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी गई, बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीरें चलाई गई, उनके नाम का जो है वो मतलब आप कह लें कि इंडिया का तिरंगा जो है वो बुर्ज खलीफा पर चलाया गया और उनका मकसद जाने का ये था कि वहाँ पर एक मंदिर है, हिंदू मंदिर जो कि बनाया गया है स्वामी नारायण के नाम से, 27 एकड़ रकबे पर उसका इफ्तिताह किया जाए जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, उन्हें स्पेशली इसी मकसद के लिए इनवाइट किया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि एक इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली, उन्होंने कहा था कि पावर कम्स फर्स्ट देन इन्फ्लुएंस। अगर आप पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे पास अभी इन्फ्लुएंस बनाने के चक्कर में हमारे पास पावर कोई नहीं है, जबकि इंडिया की अब हिस्ट्री उठा के देख लें वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा, इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ये वो सबकी बिजनेस, मतलब टेस्ला वहाँ पे अपनी गाड़ी असेंबल करे, इससे और बड़ी बात क्या होगी। तो अब उन्होंने पावर अपनी बना ली है, इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट कर रहे हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और बाकी जो मंदिर बनाने की बात है, ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको आप पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है, बजाय इसकी कि आप किसी को रिलीजन चेंज करवा के उसको जन्नत में लेके जाना साथ जाना चाहे तो अच्छी बात नहीं होती। बाकी जब रिलेशन उनके इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हैं तो और उसको फ्लोरिश करने के लिए, बल्कि वो अंडर वाटर एक ट्रेन भी चलाने लगे हैं, इसको फ्लोरिश करने के लिए वो उस रिलीजियस एक्टिविटी को भी कर रहे हैं ताकि उनका इमेज बेहतर हो सारा कुछ। ये आपने की ना पढ़ी लिखी बात, अभी क्योंकि आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, बादशाह हैं, इसलिए आपने वो बात की जो समझ में भी आती है, लेकिन अभी हमने आपसे पहले भी कुछ लोगों से बात की और वो तो मतलब बहुत ही इंतहा पसंदी वाली बातें कर रहे थे कि मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए। मैं यही सोच अपने पाकिस्तान के अवाम की बदलना चाहती हूँ कि इससे मज़ीद इंतशार फैलेगा, पीस और अमन जो है वो कायम नहीं होगा, लेकिन पता नहीं हमारी अवाम की सोच कब बदलेगी। वो कहते हैं कि यूएई वाले काफी रोग हैं कि वो एक मंदिर बना रहे हैं, अगर हम देखें तो यूएई में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। ऐलान मोदी के नाम से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए यूएई में एक इवेंट रखा गया जहाँ पर 65,000 इंडियंस ने जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की, मोदी साहब ने उनसे खिताब किया। तो आप देखें कि कितनी चीज़ें जो है आगे की तरफ जा रही है, डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है इस्लामी ममालिक में, इंडियंस के लिए इंडिया के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। जी आपने बात की ना कि यहाँ पे ये सोच पाई जाती है, ये सोच वैसी नहीं पाई जाती। आप 1960 का पाकिस्तान उठा के देख लें, इंतहाई लिबरल था, और लिबरल का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे नंगा घूम रहा हूँ, उसका मतलब होता है कि वो अगले बंदे की व्यूज़ की रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद फिर ज़ियालक साहब आ गए तो डिवीजन वाला फार्मूला अप्लाई किया गया, जो रिलीजन को इतना ज़्यादा उसको एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म दी गई,
कि ये शक्ल हमारे सामने आ गई कि या तो आप हमारे साथ हैं या तो आप गलत हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता, रिलीजन 1500 मजहब है, हर मजहब को उतना ही अपने सच्चा होना यकीन है जितना बाकी सबको है, जितना हमें मुसलमान होने पे है। तो ये चीज़ इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई कसूर नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अवाम की प्रॉपर्टी यही होती है कि अवाम जाहिल होती है, जो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी कभी ना कभी सामने आएगी। और हमने हिस्ट्री से तो कभी सीखा ही कुछ नहीं। फिर हमने नवाज शरीफ का जब वोट डिवाइड करना था तो हमने TLP बना दी और आज वो तीसरी बड़ी जमात बनी बैठी है, जो कहते हैं मनसूबा ने बीन फकतलू। तो जिन बातों पे आपने इन्वेस्टमेंट की है वही आपके सामने आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि इंडिया में उनकी पॉलिटिक्स और रिलीजन वो कभी मिक्स नहीं रहे आपस में, बल्कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, देखिए जमहूरी डेमोक्रेसी यहाँ पे लोग उसको गालियाँ देते हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर उसको कंसिस्टेंटली चलने दिया जाए, खुद बहुत गलत बंदे फिल्टर कर देती है। लेकिन आप बंदे उठा के आगे ले आए फिर कह नहीं ये बुरा है, अब मैं नया बंदा आपको दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी चेंज कभी भी नहीं आता। अब आप ये देखें ना कि इंडिया की तमाम इस्लामी ममालिक के साथ आप देख लें कि ट्रेड हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट कितनी है इस्लामी ममालिक में, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम कहते हैं कि इंडिया तो है ही भाई एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम, वो तो काफिर हैं। और जब उनके साथ कोई इस्लामी ममालिक ट्रेड करता है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करता है, तो हम कहते हैं भाई ये तो असली मुसलमान ही नहीं है, असली मुसलमान तो सिर्फ पाकिस्तान वाले। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वाले यहाँ पे किसी दुकान पे चले जाएं कोई चीज़, हर कोई ठग लगाने के चक्कर में बैठा है। मतलब आपके अमल से या तो पता चले ना कि आप इतने मुसलमान हैं, फिर तो पता चले। आप यहाँ पे देख ले 100 में से 90 बंदे करप्टी होने हर मामले, चाहे मोरली फाइनेंशियल जैसे मर्जी उठा के देख ले। okay, भाई लास्ट वाला बंदा तो बहुत अलग लेवल निकला, लेकिन उसके पहले के दो वाले तो बड़े खतरनाक निकले, बीच वाला का कितना बंदा अलग ही लेवल का बंदा था भाई। वो कह रहे सारे मंदिर तोड़ देने चाहिए, फिर उन्होंने बोला मस्जिद के बारे में बोला तो नहीं मस्जिद टूटनी चाहिए क्योंकि वो तो इस्लाम का। अरे तो हमारा भी तो है ना वो चीज़ है, थोड़ा सोचना चाहिए। किसी बोल देते हैं फिर सोचते नहीं है, और वाकई में ये चीज़ें ये लोग सोचते भी नहीं है। आज के टाइम पे UAE जो इनके जो अनस्किल जो वर्कर जो है ना उनको ले नहीं दी बिल्कुल भी। तुम भी तो मुसलमान हो, तुम्हें क्यों ले रही भाई, हिंदुओं को क्यों ले रही है? क्योंकि इनको पता है भाई रिलीजन से पेट नहीं भरता, काम नहीं चलता, सिर्फ ऊपर वाले का नाम लेने से काम नहीं चल जाता, साथ साथ हाथ भी चलाने पड़ते हैं तब जा करके काम होता है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए, ये चीज़ सोचते चलोगे कि भाई वो मुसलमान है और मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। उन्होंने अभी राशिल बंदे ने क्या बताया कि इस देश के अंदर पता नहीं है 10 में से 9 बंदे ऐसे हैं जो मतलब एक तरीके से ठगने को तैयार है। जब तुम ठग रहे हो सब कुछ चीज़ कर रहे हो, फिर तुम किस बात का तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दो अपने उसके ऊपर कि भाई नहीं भाई उनको हक नहीं है या हमें हक है, वहाँ पर शहीद क्यों कर दी गई, हम शहीद कर देते हैं। उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दे, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया इन्होंने कि वाकई में राम मंदिर को तोड़ के जब बाबर ने जब मस्जिद जब बनाई तब क्या हुआ था, तब का कुछ नहीं बताया इन्होंने। नहीं वो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर को तोड़ देना चाहिए। ऐसी सोच है तुम्हारी। फिर तुम कह फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं हम उसे इंडिया क्या बोलते हैं नफरत क्यों करता है, इंडियन नफरत क्यों करते हैं। भैया हमारी सोच ऐसी नहीं है कि मुसलमानों को क्या बोलते हैं नीचे रख के रखो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई चीज़ से। बंदा अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उसमें खुश हैं। किसी को जाके उसको छेड़ना या उनकी चीज़ों को तोड़ना ये सब चीज़ हमारा नहीं होता। इसीलिए आज के टाइम भाई इंडियन मुस्लिम के साथ साथ इंडियन हिंदू भी सबके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया का नाम रोशन हो रहा है तो उसमें इंडियन हिंदू भी आते हैं और इंडियन मुस्लिम भी आते हैं, इंडियन सिख भी आते हैं, इंडियन क्रिश्चियन भी आते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, एज अ डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा रादर देन अपना ये जाहिल अपना दिखाने में कि नहीं भाई हमारा होना चाहिए तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो बंदे काफ़ी अच्छा लगा देखने वीडियो की, हाँ भाई लास्ट वाले बंदे ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बोली। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई उसने क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में बड़ी तारीफ कर दी तो चीज़ अच्छी कर दी, नहीं ऐसी सोच ही होनी चाहिए हर लोगों की, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो, ऐसी सोच ही होनी चाहिए तभी जा करके देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि वाकई में भाई सिविलाइजेशन दोनों की हमारी एक थी, जीन्स हमारे सेम मिलते हैं, हर चीज़ सेम मिलती है, शक्लें मिलती हैं, भाषाएं मिलती हैं, उसके बाद भी इतने दूर हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या होता है रिलीजन का वो आ रहा है, तो इस चीज़ से कुछ नहीं बनता। हम हिंदुज़म को सिर्फ उसे धर्म नहीं मानते, हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा एक तरीके से समझ लो ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हम उसको ये मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि नहीं भाई अब हमने हिंदू धर्म बना लिया तो सामने वाला दुश्मन ही होगा हमारा, वरना भाई हम तो नहीं करेंगे कुछ भी। इनका क्या है, इनका उल्टा ही है। सामने वाला अगर गैर धर्म का बंदा है तो उसको मारना ही मारना है, उसको मानना ही नहीं मानना बिल्कुल, मतलब उसको मानना ही नहीं है। पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, जो भी चीज़ है ये सब चीज़ करना जरूरी है अपनी लाइफ को, इससे पता चलता है कि तुम्हारी पहचान क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं काम उससे ज़्यादा जरूरी है, भगवान का नाम लेके काम करो तब जाके सफल होगे। ये नहीं कि भगवान का नाम ही लोगे या फिर अल्लाह का नाम ही लोगे सिर्फ उससे काम चल जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा। हमारा धर्म जो इस्लाम सच है, बात बाकी सब झूठ है, तो गलत है ना। सबके अपना अपना धर्म, सबके सच्चे होते हैं, और सिर्फ धर्म के लेके चलोगे तो वही है, धर्म के ही लेके रहो
आगे तो बढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, है ना। तो मतलब हमेशा ना दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं, नहीं कुछ पढ़े लिखे हैं अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ है जिनको कुछ पता ही नहीं है तो ये वो फिर गलती दिक्कत ये होती है ना कि मुझे ना अच्छी इस बात पे आती है कि पहले तो बड़े अग्रेसिव होकर बता देते हैं कि हाँ भाई अपनी बढ़ा निकाल देते हैं, लेकिन जो रिपोर्टर जब पूरी चीज बताता है इनको ढंग से करके तो इनका मुंह बन जाता है, तभी कुछ और ले आते हैं, फिर उसी चीज को रटते रहते हैं, तो उस चीज देखने बड़ी हंसी से आती है कि वाकई में यार समझा भी दिया, उसके बाद ये समझ भी जाते हैं कि वाकई में फंस चुका हूँ, फिर भी उसके बाद भी अपनी चीज पे अड़े रहना, तो ये तो फिर बेवकूफी कर देता है, इसलिए हंसी निकल जाती है वाकई में, वरना हंसने का मन नहीं करता, गुस्से आता है। धर्म की पहचान बनाओ सही है, लेकिन साथ साथ अपने देश की भी पहचान बनाओ ना, है ना। और क्या, देश की पहचान बनाना सबसे ज्यादा अच्छा, देश की पहचान बनाओगे तभी लोग तुम्हें समझेंगे, धर्म की पहचान। और क्या, इस चीज से फर्क क्या पड़ता है, क्रिश्चियनों को हिंदुइज्म से क्या लेना देना, मुस्लिम धर्म जो उनको हिंदुओं से क्या लेना देना, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बढ़िया हो पाए इंडिया के बीच में और यूए के बीच में, ठीक है, अमेरिका के बीच में और क्या बोलते हैं इंडिया के बीच में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का जो ट्रेडिशन जो है, उनका कल्चर जो है, वो मंदिरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कोई ना कोई अगर हमें अबू धाबी को किसी को कुछ करना होगा तो हम भी यहाँ पर कोई ना कोई क्या मॉस बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे उनके लिए, क्या वाकई में भाई ये चीज़ हो, क्योंकि यूए की पॉपुलेशन ज़्यादा रहती नहीं है यहाँ पर, तो इतना कुछ करते नहीं, वहाँ रहती है, वहाँ काम करती है, तो उनको पता है कि भाई और वर्कर्स लेकर के आने हैं अपने देश के अंदर, और काम निकालना है, रिलेशनशिप बढ़िया करनी है, तो इनको इनको खुश करना होगा, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ सोचना होता है, ये नहीं कि मंदिर बनवा दिया रहे ये तो काफिर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये बेवकूफ़ी है, उनको उन्होंने मंदिर बनवाया अपने अपने लिए नहीं बनवाया, वो उन्होंने इस उनके लिए बनवाया जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो देख रहे हो काफी अच्छे देखने में, तो आए वैसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो अच्छे होते नहीं। जय श्री राम।